चाल, अरे स्वागत नहीं करोगे अपने भाई का? अरे भाई देखो, एक बात बता दूं भाई, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए रात में बना रहा हूँ। थोड़ा बहुत अगर मेरी परछाई और चाहे इस पे अगर आएगी तो तुम एडजस्ट करना सीखो भाई, ठीक है? क्योंकि तुम हमारे मेंबर बन गए, हमारे मेंबर रहोगे तो तौर तरीका तुम हमारे जानते हो। तो चलो भाई एक बात बता दूं, देखो जिन भाई लोग ने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो भाई स्क्रीन पे आपको टेलीग्राम चैनल का फोटो दिख रहा हूँ, तो भाई ज्वाइन कर लेना, ठीक है? वहां से अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया, वहां पे डाल देना। क्योंकि भाई जब तक मैच चलता है, जब तक मैच खत्म नहीं हो जाते भाई, तब तक मैं वहां एक्टिव रहता हूँ। ऐसा है भाई, वीडियो बनाते समय कान और नहीं बांधते, क्योंकि भाई गर्मी आती है ना, ठीक है? एनर्जी आ जाती है, क्यों? क्योंकि भाई वीडियो पूरा मन धन तन से बनाते हैं, ठीक है? कोई भी कितना भी जरूरी काम रहे हम छोड़ देते, जो वीडियो बनाने, तो भाई इसीलिए तुम भी से बोलूंगा, जो भाई लोग वीडियो देख रहे हो लाइक कोई कमेंट वमेंट जो भी जैसा कर रहा है कर दो, क्योंकि भाई बाद वाला काम रहता है ना भाई, आलस का रहता है। आलस का काम तो हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग फैंटेसी वाले, अगर फैंटेसी वाले आलस करेंगे तो भाई कोई ना, वीडियो में फालतू बकवास स्टेटस बात नहीं करूंगा, वीडियो लंबी होती जाएगी। वैसे भी भाई मैं शॉर्ट मतलब आपको मेन टॉपिक के बारे में बताऊंगा, क्योंकि भाई रात की वीडियो, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट चीज जानो। तो भाई चलो हम बात कर लेते हैं, क्रिकेट मैच कौन सा चल रहा है भाई? ये साउथ अफ्रीका लीग चल रहा है। कौन सा? साउथ अफ्रीका लीग चल रहा है। देखो भाई सावर T20 मैच साउथ अफ्रीका लीग चल रहा है, तो भाई किसके किसके बीच में मैच है भाई? देखो टीम PCBS DSG मीन्स क्या? पीसी मीन्स हो गया पेरेटिकल और सी मीन्स हो गया कैपिटल, बीएस डीएसजी मीन्स डरबन, एस से हो गया सुपर, जी से होगा जायंट, डरबन सुपर जायंट मतलब पेरोटिकल कैपिटल भी है डरबन सुपर जायंट्स के। चलो भाई अब हम आपको बता देते हैं इम्पोर्टेंट मैं बोल रहा हूँ भाई, इम्पोर्टेंट ही बता दूंगा। तो चलो भाई हम आपको ये बता दूं, सबसे पहले भाई वीडियो हो सकती है थोड़ी छोटी, भी रात में बना रहा हूँ। तो भाई देखो वीडियो में आप सभी को मैं सबसे पहले बताऊंगा पिच रिपोर्ट। भाई पिच रिपोर्ट से ही स्टार्ट कर लेते हैं भाई, ठीक है? चलो भाई आपको बता देता हूँ पिच रिपोर्ट, ये पिच किसको मदद करती है, किसको कहाँ पे ये पिच है, कैसी है, क्या है, ये सारी चीज बता देता हूँ, ठीक है? आज मैं कुछ हो सके वीडियो में कुछ क्लिप छोड़ दूंगा, जैसे कि इन दोनों के प्लेइंग 11 नहीं बताऊंगा, ठीक है? सीधा इम्पोर्टेंट आते, इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है? क्योंकि भाई रात का टाइम है ना, तो इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। चलो भाई देखो पिच रिपोर्ट, भाई ये पिच कहाँ पे मैच हो रहा है, जो ये भाई 24वां T20 मैच हो रहा है, कौन? साउथ अफ्रीका का, जो ये लीग चल रहा है साउथ अफ्रीका, ये पिच रिपोर्ट कहाँ हो रहा है भाई? जो मैच हो रहा है साउथ अफ्रीका में हो रहा है, ठीक है? साउथ अफ्रीका का पिच है, तो भाई पिच कैसा बिहेव करती है तो जान लो। देखो भाई रात में अगर जो वर्ड क्लियर नहीं होगा, मेरी आवाज को सुन के क्लियर कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पे देखो भाई, यह पिच गेंदबाजों के लिए जलवा मतलब यह पिच तेज गेंदबाजों का जलवा रहता है, मतलब जो ये पिच है कहाँ से? साउथ अफ्रीका का जो ये पिच है भाई, इसमें क्या होता है, तेज गेंदबाजों का इस पिच पे जलवा रहता है, मतलब इस पिच पे तेज गेंदबाज अपने आप को हीरो समझते हैं, ठीक है? समझ लेना हीरो ऐसा। फिर हम बात करेंगे दूसरे लाइन में, फिर यह पिच तेज गेंदबाज और तेज गेंदबाज को काफी मदद करती है, उदाहरण मदद करती है, पिच जो है भाई तेज गेंदबाज को मदद करती है। उदाहरण मीन्स एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, कैसे मदद करती है? बॉल जज भाई जो ये पिच है ना, बॉल को उछाल करती है और स्विंग और सीमा दोनों प्रदान करती है, मतलब जो स्विंग और सीमा जानते हो क्या मतलब? देखो कभी बॉल दब के आएगी, जो बॉलर तेज बॉलर रहेगा बॉल फेंकेगा तो कभी जो बॉल रहेगी ऊपर आएगी, कभी कोई बॉल रहेगी नीचे आएगी, कभी कोई दाएं बाएं ऐसा होगा, तो बॉलर जो रहेगी चकमकाएंगे थोड़ा, जब चकमकाएंगे तो विकेट चकमका देंगे। फिर यहाँ हम देख लेते हैं इस पिच पर अगर बल्लेबाज संभल कर नहीं खेलेंगे तो अपना विकेट आसानी से दे सकते, समझ लिए ना भाई? जब बॉल स्विंग हो रही, सीमा हो रही, पिच उछाल दे रही है, गति दे रही है, प्रदान कर रही है, तो भाई गड़बड़ तो हो गई। ये हमने आपको बता दिया कौन सा पिच रिपोर्ट। चलो भाई अब बात कर लेते हैं इस पिच का स्कोरिंग पैटर्न क्या रहता है। स्कोरिंग पैटर्न को मैं बेसिक बताऊंगा, क्योंकि भाई रात की वीडियो है, थोड़ी छोटी भी हो सकती है तो एडजस्ट कर लेना, और इम्पोर्टेंट भी हो सकती है, ठीक है? तो चलो अब हम बात कर लेते हैं जो ये पिच है इसका स्कोरिंग पैटर्न क्या रहता है, इस पे कितने रन बनते, कितने चेस होते, कितने डिफेंड होते, ये हम आपको बता देते हैं। क्या इम्पोर्टेंट चीज है भाई, देख लो भाई ये जो पिच है क्या जानते हो इसका स्कोरिंग पैटर्न, स्कोरिंग पैटर्न जान लो भाई। स्कोरिंग पैटर्न मतलब इस पिच पे कितने रन बनते, कितने चेस होते। तो भाई अब हम बात कर ले इस साइड हो जा रहा हूँ, तो भाई यहाँ देखो अभी तक टोटल मैच कितने खेलेगा, 70 मैच टोटल खेलेगा। फिर हम बात करेंगे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने मैच को कितनी बार, 31 बार मैच को जीत दर्ज कर लिया। फिर अब हम यहाँ बात करेंगे बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने मैच को कितने बार जीत दर्ज कर लिया, 39 बार। मतलब भाई देखो साफ साफ पता चल रहा है डिफरेंट है, क्योंकि भाई मैं बोल रहा हूँ ये जो पिच है ना बॉलरों का पिच है, ये जो पिच है बॉलरों का पिच है, तो कौन जीतेगा भाई? बॉलर ही जीतेगा, ठीक है? फिर हम यहाँ देखेंगे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर क्या रहता है, लगभग फर्स्ट इनिंग में एवरेज स्कोर, मतलब फर्स्ट इनिंग में जो टीम बैटिंग करती है कितना रन मार सकती है भाई, 150 रन मार सकती है, इतना तुम एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ जो पहले बल्लेबाजी कर 150 के ऊपर, अगर तुम लोग 150 से 200 के बीच का
कोई सेशन दिखेगा नो मार देना, क्योंकि भाई 150 के ऊपर रन नहीं बनेंगे, इतने तो मैं अपनी दामा से बता रहा हूँ, तुम्हारा भाई का प्रेडिक्शन बोल रहा है, ठीक है। इतना देख लेना कि 150 से 200 के बीच का स्कोर नहीं बनेगा, उससे कम बनेंगे, 150 से कम ही। फिर हम देख लेंगे टू एंड इनिंग स्कोर, मतलब देखो भाई जो दूसरे इनिंग में जो टीम बैटिंग आती है बस भाई 145 रन तक लगभग मार देती है, ठीक है, उतने रन तक पहुंच जाती है, चेस कर लेती है, ठीक है। फिर बात समझ लेना, फिर यहाँ देखेंगे हाईएस्ट टोटल स्कोर, इस पिच का सबसे हाईएस्ट स्कोर कितना रहा भाई। देखो अभी तक टोटल 70 मैच हुए, 70 मैच से तुम्हारा भाई ने अभी देखो 213 रन 6 विकेट पर है, पता नहीं कब कब किस जमाने में मारा गया रन इतना, और भी 260-61 मैच होने के बावजूद। फिर यहाँ देख लो लोवेस्ट टोटल स्कोर, इस पिच पर सबसे लोवेस्ट घटिया खराब स्कोर कितना रहा, 80 रन पे 10 विकेट, मतलब 150 भी तक न पहुंचे। तो यही बोल रहा हूँ भाई, 150 के 200 के अंदर कोई भी सेशन दिखेगा नो मार देना। हमने आपको बता दिया कौन सा स्कोरिंग पैटर्न, अब चलो भाई जान लेते हैं प्लेयर के बारे में, कर देता हूँ प्रेडिक्शन, जिससे तुम लोग को कमाने में आसानी होगी। कैसे? बस यस और नो करने में कमाई हो जाएगी, ठीक है, गधा मजदूरी नहीं है, बस यस करो नो करो, कमाओ छापो पैसा डबल करो। तो चलो अब बात कर लेते हैं प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में, किसके बारे में प्लेयर प्रेडिक्शन देता हूँ भैया, बैटर के बारे में, कौन बैटर जो है इसका 25 रन मारेगा, किसको यस करने किसको नो। भाई देखो जल्दी जल्दी बोलूंगा, क्योंकि भाई मेरे जो इधर टॉर्च वोर्च मैंने जो भी जला है डिस्चार्ज हो जा रहा है, ठीक है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूंगा, आवाज सुनते रहना। तो भाई यहाँ देख लेंगे बैटर के बारे में, 25 रन का सीजन, किसको यस करने किसको नो करने ये समझ लो। तो भाई देखो टॉनी जी जॉर्जी फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे भाई, इधर ब्लैक फर्स्ट इनिंग बैटिंग करे या टू एंड इनिंग बैटिंग करे भाई, 25 रन का सेशन इस पे यस कर देना भाई। देखो इधर लिखा हूँ तो इस पे यस कर देना, किस पे टॉनी जी जॉर्जी फर्स्ट इनिंग बैटिंग करे, सेकंड इनिंग में दोनों इनिंग में 25 रन का सेशन क्या कर देना यस कर देना, किस पे टॉनी जी। और देखो भाई कौन क्वेश्चन डिकॉकर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करता है, क्वेश्चन डिकॉकर ये फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगा तो 25 रन का सेशन यस करना, नहीं तो क्या करना नो मार देना। देखो भाई सुन लो मेरे बात का अहमियत रखना, बोर्ड पे लिखा हूँ वो दिख नहीं रहा होगा मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी आवाज सुनाई तो दे रही है तो सुन लो। तो देखो भाई फर्स्ट इनिंग में अगर टॉनी जॉर्जी फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग 25 रन सेशन यस कर देना, और क्वेश्चन डिकॉकर फर्स्ट इनिंग में सेशन 25 रन का सेशन यस करना, और टू एंड इनिंग में 25 रन सेशन क्या मार देना नो मार देना। अब देखो भाई बॉलर पेडिशन देख लो, बॉलर पेडिशन डीएसजी डर्बन सुपर जायंट्स का बॉलर, देखो भाई आज के मैच में नवीन उल्लक जो है भाई 2-4-5 विकेट चक्का ले जाएगा, तुम्हारे भाई के वादा है। अब हमने आपको बता दिया किसके बारे में बताया भाई, देखो डीएसजी डर्बन सुपर, यहाँ देखो लिखा हूँ डर्बन सुपर जायंट्स का। अब बात कर लेते प्रिटोरिया कैपिटल के प्लेयर के बारे में प्रेडिक्शन कर देता हूँ। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, पीसी मींस प्रिटोरिया कैपिटल प्लेयर प्रेडिक्शन बैटर के बारे में। भाई देखो बैटर इसका जो 25 रन का सेशन किसको नो कर रहे हैं, किस बैट्समैन को यस कर रहे हैं ये समझ लो। देखो भाई अगर मैं देखो फर्स्ट पी साल आज के मैच में दोनों इनिंग में बेस्ट रहने वाला पी साल, क्या देखो भाई फर्स्ट इनिंग में भी 25 रन का सेशन क्या कर देना पी साल पे यस कर देना, किस पे भाई देखो पी साल फर्स्ट इनिंग बैटिंग करे सेकंड इनिंग बैटिंग करे 25 रन का सेशन इस पे यस कर देना, ठीक है। देखो विल जैक भाई, बिल जैक ऐसा प्लेयर भाई बॉलिंग से भी पॉइंट देगा बैटिंग से भी पॉइंट देगा, तो भाई ये अगर बिल जैक अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करता है तो इसे 25 रन का सीजन क्या कर देना यस कर देना। भाई देखो थोड़ा एडजस्ट करना भाई, इधर एडजस्ट करना। फिर देखो भाई बॉलर के बारे में प्रेडिक्शन देता हूँ भाई, देखो आदिल राशिद आज के मैच में कुछ विकेट चटका के ले जाने वाला, ठीक है, ये हो गया। आप चलो भाई बात कर लेते हैं द बेस्ट चॉइस कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में। चलो भाई अब बात कर लेते हैं द बेस्ट चॉइस कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में। तो मैं भाई देखो इधर मैं बोलूंगा पांच प्लेयर ही इंपॉर्टेंट रहने वाले, कौन से भाई नाम सुन लो, देखो भाई नाम सुन लो, नाम में इन लोग का जलवा हो जाएगा। देखो भाई कौन, टॉनी जी जॉर्जी क्विंटन डिकॉक नवीन उल्लक पी साल्ट आर रशीद, भाई ये पांच प्लेयर इंपॉर्टेंट रहने वाला। अगर मैं तो बोलूंगा आज बिना कुछ सोचे समझे तुम जाना भाई टॉनी जी जॉर्जी को कैप्टन मार दे, कैप्टन मार दे किसको टॉनी जी जॉर्जी पे, ठीक है। और नवीन उल्लक अगर मान लो पहले बॉलिंग करा गया, मतलब सेकंड इनिंग में तो बॉलिंग कराएगा, अगर ये नवीन उल्लक दोनों इनिंग में विकेट लेके जाएगा, लेकिन एक विकेट से क्या होगा। यहाँ पे देखो भाई मैं बोल रहा हूँ टॉनी जी जॉर्जी बहुत ताबड़तोड़ रन मार ले, आप पी साल्ट या फिर आदिल राशिद को तुम कैप्टन कर सकते हो। मैं तो बोलूंगा पी साल्ट अगर बेस्ट रहने वाला, इसको अगर देखो भाई टॉनी जी जॉर्जी पहले इनिंग दूसरे इनिंग में दोनों में बैटर रहने वाले, लेकिन पी साल्ट अगर पहले इनिंग में बैटिंग करके तो पी साल्ट को कर दूंगा मैं कैप्टन, और किसको टॉनी जॉर्जी कर दूंगा वाइस कैप्टन। तो भाई ये रहे हमारे आज की प्रेडिक्शन कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में, हमने आपको बताया। तो चलो भाई आज की वीडियो को रखते हैं तक, मिलते हैं फिर किसी एक नए चमचमाती फ्रेश ताजा वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।